आमचा स्वानंद न्यूज चॅनल ला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज चे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल वर। नमस्कार, मी रोहिणी गवान खडे, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत। चर्चा तर होणारच। गटर मधील मेनहोल साफ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना उतरावे लागत होते व त्या मेनहोल मध्ये होणारे विषारी वायूमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला। यासाठी केरळ मधील विद्यार्थ्यांनी इने आरोग्य तंत्रज्ञान तयार केले आहे। गटारावरील मेनहोलची साफसफाई करण्यासाठी अनेक वेळा सफाई कामगारांना त्यामध्ये उतरावे लागते। त्यातील होणाऱ्या विषारी वायूच्या निर्मितीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे जीव देखील गेले आहेत। कर्मचाऱ्याला मेनहोल मध्ये न उतरवता केरळ मधील विद्यार्थ्यांनी ह्या रोबोटची निर्मिती केली आहे। आज उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे, विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमोर ह्या रोबोटच्या माहितीचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे। आज 6 मार्च को महानगरपालिका में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देखा, जो कामगार मेन होल्स में उतर कर सफाई करते हैं उसमें तकरीबन कामगारों की आज भारतवर्ष में हर वर्ष 3 से 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। 2013 तक ये 22,500 लोगों की मृत्यु ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। तो न्यू टेक्नोलॉजी लाने का ये ऐसे केरला के 4 बच्चों ने स्टार्ट किया है। उन्होंने एक रोबोट बनाया है, जेनरिक रोबोट, जो कि मेन होल्स के अंदर जाके क्लीनिंग प्रोसेस पूरा वर्किंग करते हैं और उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। अभी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा यहाँ पे काम शुरू है। ये वीडियो मुझे लास्ट वीक मिला, उसका हम लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला और इमरजेंसी उन्हें उल्हासनगर में हमारे कमिश्नर साहब ने अलाउ किया मीटिंग, और आज हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन देखा। बहुत ही जल्दी इसका डेमो देने के लिए कंपनी यहाँ आ रही है। इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि जो सफाई कामगारों की डेथ हो रही है वो कहीं रुकेगी, क्योंकि अगर हम घर में थोड़ी भी गैस अगर लीकेज होती है तो किस तरह से हमारा दम घुटता है। तो ये मेन होल में तो पता नहीं कितनी जहरीली विषैली जो गैसेस रहती है उससे जो हमारे सफाई कामगारों की जो डेथ हो रही है वो कहीं तो रुकनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने रोबोट बनाया है जो कि पूरी तरह से अंदर डीप जाके वो पूरी स्लिट्स निकालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जर्मनी, फ्रांस, इसकी टेक्नोलॉजी चाइना की लेके आते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया ने बनाई है, मेक इन इंडिया का जो नारा है उसमें वर्किंग में ये आ रही है और यही अभी बाहर कंट्रीज में जा रही है। तो ये वाकई प्राउड की बात है जो हमारे इंडियंस ने ये स्टार्ट किया है। हम उन्हें सपोर्ट करें और आगे हमारी सफाई में न्यू टेक्निक्स हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से देखा जाता था कि टेलीग्राम्स आए, फिर फ़ोन आए और अभी व्हाट्सएप है, तो जिस तरह से हर टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, चेंजेस हुई है, सफाई में भी होनी चाहिए, इसीलिए ये स्टेप लिया गया। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हुई और इसका डेमो बहुत जल्दी उल्हासनगर में आएगा। ह्यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी देखील ह्या रोबोटच्या संकल्पनेला चांगलाच प्रतिसाद दिला असून काही दिवसांमध्ये रोबोटचे प्रात्यक्षिक देखील दाखवण्यात येणार आहे, असे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगरसेविका तथा पर्यावरण तज्ज्ञ मीना सोंडे यांनी सांगितले आहे। शुभम साळुंकेसह सॅमसन घोडके, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।